बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। अभी आप ये टाइम देख सकते हैं, अभी बज रहे हैं 6:17, 6:15 हो रहे हैं और हमारे गांव में सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है। और ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मेहरोज भाई। मेहरोज भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेहरोज भाई, सर्दी आ गई अभी आज 10 मुहर्रम। ओ यार, 10 नवंबर है, मुहर्रम इसलिए मेरे मुहर्रम के ज़्यादा वे लोग बना देना, इसके लिए मुहर्रम मेरे मुंह से निकल रहा है। तो आज 10 नवंबर 2024 और मैं आपको अभी सराउंडिंग में दिखाऊंगा। अभी फजर का टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी सुबह हो रही है, मगर अभी भी स्मॉग बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में हो रही है। ये देख सकते हैं, ये सारी सुमा हो गई, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, आपकी आंखें हैं ना, आपकी आंखों से गौर करके देखें कितनी ज़्यादा सुमा हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये सारी सुमा हो गई, इस तरफ तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और वो सामने गांव है, वहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और हमारे मुँह से भी धुआँ निकल रहा है। इतना नहीं फिरोज भाई, दिसंबर में धुआं बहुत निकलता है ना, अभी नहीं निकलेगा, अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी शुरुआत है, अभी इतनी सर्दियां नहीं आई हैं। और 2021 में बाकायदा मुंह से बर्फ निकलती थी। चल झूठा। तो दिखा दूं, ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी सिर्फ लाइट नजर आ रही है और गाड़ी नहीं नजर आ रही। अभी ये करीब आएगी, यहाँ से नजर आएगी गाड़ी, और अभी आएगी फिर नजर आएगी, आप देखना। ओ अभी नज़र आ रही है, अभी अभी भी नहीं नज़र आई, ये कुत्ता गाड़ी जा रही है। ओ अभी नज़र आई है, देखो इतनी स्मोक फैली हुई है, कुछ भी नहीं नज़र आता। अभी दूसरे गांव वाले भी उठे होंगे, जो कि बुजुर्ग लोग हैं वो सारे उठे होंगे, बाकी तो सारे सोए होंगे, कोई नहीं उठा। हमारा साहिल भी अभी बुजुर्ग है। नहीं नहीं नहीं, ये बुजुर्ग नहीं। तो वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो जल्दी जल्दी उठते हैं, उनको हम नहीं नज़र आ रहे और वो हमें नहीं देख रहे, क्योंकि ये स्मोक ज़्यादा फैली हुई है। वो भी गई खोता गाड़ी, खोता गाड़ी, अरे गाइस खोता गाड़ी भी नहीं नज़र आ रही। खोता गाड़ी आपको सामने नज़र आई है? नहीं, सामने जा रही है मगर आपको नहीं नज़र आएगी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अभी मैं जा रहा हूँ कोटड़ी शेड से अंडा पराठा खाने, मतलब नाश्ता करने। अभी पता चलेगा, क्योंकि हम अभी इतनी स्मॉग में जाने वाले हैं, अभी हमें खड़े होकर ही हमें ठंड लग रही है, तो हमारा आगे चल के क्या हाल होगा वो आपको मज़ा चल के दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं, अभी बाइक चालू नहीं हो रही क्योंकि ठंडी हो रही है, गर्म हो रही कोई देर नहीं। ये हमारी ये मस्जिद, अल्लाह का घर। सर्दी इतनी है, बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और हमें आगे चल के पता चलेगा। देख सकते हैं आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ये देख सकते हैं आप, स्मॉग के अंदर चल रहे हैं। इतनी सर्दी है यार, खड़े थे रोड पे फिर भी ठंड लग रही थी, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है यार, आपको क्या बताओ। हम खुद काम पर है, इतनी ज्यादा सर्दी है यार। ये है कोटड़ी शेर, इसमें थोड़ी सी भी स्मोक नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ओ दूर स्मोक है हल्की फुल्की। गाइस यहाँ पर सब सो रहे हैं और हम जा रहे हैं सबको उठाने। रोजेदारो, अल्लाह नबीदा प्यारो। Chamar abajo, el celular.
पराठे हमारे आगे नरेंद्र भाई पराठे आगे चलो 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 अभी सीधा चलते हैं गाँव गाँव चल के पराठे खाते। हाँ तो गाइस अभी धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हैं सामने अभी सुमो ज्योति वो जाने वाली है, अभी चली गई है। भाई सुमो को सिंधी में क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, जो जो सिंधी वीडियो देख रहे हैं सारे सिंधी है, बताओ क्या बोलते हैं सुमो को सिंधी में, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। अभी हम हमारे गांव में पहुंच गए, अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया, अभी धुंध नहीं है, अभी साफ हो गया देख सकते हैं आप। अभी हम लेकर आए हैं खादिम, क्या लेकर आए, अंडा पराठा खादिम के पास है, अभी जाके खाएंगे। ये है हमारे गांव की गलियां, ये हम बैठ चुके हैं और ये हमारा पराठा आ गया और ये हमारा अंडा आ गया और हमारे साथ एक हमारा नया दोस्त, हमारा टीम मेंबर, हमारा खास से खास टीम मेंबर बैठा हुआ है, आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं खास से खास टीम मेंबर हमारा, कैसे हो, खुश हो, ये भी खाएगी, ये भी हमारे साथ खाएगी। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करो, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करो, ये भी हमारे साथ खाएगी, खाओ। आय हाय आय हाय आय हाय भाई, ये जो धूप है ना, इस धूप से हमारी हड्डियां मजबूत होगी। वो कहते हैं ना कि सुबह की धूप होती है, उसके सामने खड़ा हो या खड़ो, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। हमारी तो वैसे ही हड्डियां मजबूत है, फिर भी हड्डियां मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी बज रहे हैं 8, सुबह के 8 और 9 बजे थोड़ी धूप ज़्यादा हो जाएगी और वो हमें जलाएगी धूप, तो इसके लिए सर्दियों में 8 बजे ही वो धूप आ जाती है जो कि विटामिन डी को पूरा करती है। विटामिन डी ना हड्डियों की, विटामिन डी को पूरा करती हैं। तो यार 5 मिनट इस धूप में खड़े होते हैं, अपनी हड्डियां मजबूत करते हैं। हड्डियां मजबूत करोगे नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आके खड़े हो, हाँ धूप में खड़े हो जाए, हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। हाँ खड़े हो जाए, चलो तो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखना।